आबकारी विभाग ने सोमवार को कच्ची शराब के कारोबारियों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की, जिसके संबंध में आबकारी निरीक्षक राकेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि टीम ने सबसे पहले थाना रामगढ़ताल के कटहूर अमरुतानी में छापेमारी कर वहां पर लगभग 110 लीटर कच्ची शराब बरामद किया और 5000 किलोग्राम लहन को मौके पर नष्ट किया एवं 12 भट्टियां मौके पर तोड़ी गईं। उसके बाद टीम ने थाना कोराबार के जंगल अयोध्या प्रसाद में छापेमारी की, वहां पर 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद किया गया। उसके बाद टीम बांसगांव तहसील के कौवा राम ईट भट्टा गजपुर में छापेमारी की, वहां पर 20 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद किया गया और 30 किलोग्राम लहन नष्ट किया गया। छापेमारी के दौरान 5 लोगों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई, जिसकी पहचान शांति देवी पत्नी सुरगी निषाद, सीमा पत्नी अजीज लाल मुनिया, पत्नी विश्वनाथ यादव, मुनक्का पत्नी राजेश के रूप में हुई है। एक अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। छापेमारी में आबकारी कांस्टेबल शिवेंद्र तिवारी, मुरलीधर, पंकज चौधरी, धर्मेंद्र चौधरी, ऋतु प्रकाश चौधरी, सौरभ कुमार, जगदीश शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आबकारी निरीक्षक राकेश कुमार त्रिपाठी ने कहा, बस मछली में मिल गई ना, क्या हो गया सर? देखो मार ये शराब है ना, जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर जनपद गोरखपुर में अवैध कच्ची शराब के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। उसी अभियान के अंतर्गत आज भी कार्रवाई की गई है। पहले हम लोगों ने रामगढ़ थाना के अंतर्गत जो है कठौर अमरतानी में दबिश किया, वहाँ पे करीब 110 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद किया, 5000 किलोग्राम लहन नष्ट किया गया और करीब 12 भट्टियों को भी तोड़ा गया है। उसके बाद फिर खोराबार थाने के अंतर्गत जो है जंगल अयोध्या प्रसाद में दबिश किया गया, वहाँ पे 10 लीटर शराब बरामद किया गया। उसके बाद बांसगांव में जो है गजपुर में कौवा राम ईट भट्टे पर दबिश की गई है, वहाँ पर 20 लीटर शराब बरामद की गई है। कुल 140 लीटर शराब बरामद किया गया है। 5 लोग के विरुद्ध जो है अभियोग पंजीकृत किया गया है और करीब 5300 किलोग्राम लहन नष्ट किया गया और 12 भट्टियाँ तोड़ी गई हैं। ये अभियान लगातार चलता रहेगा जब तक अवैध शराब के खिलाफ ये जारी रहेगा हमारा अभियान।